दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां पर बिगड़ते हालात को लेकर भारत पूरी तरीके से सतर्क है। तालिबान को लेकर भारत भविष्य में किसी भी चुनौती को हल्के में लेकर नहीं चल रहा है, क्योंकि तालिबान का पाकिस्तान के साथ संबंधों को बहुत ही नजदीकी के साथ देखा जा रहा है। ऐसे में जिस 20 साल पहले तालिबान ने भारत के लिए कश्मीर पर चुनौतियों को जन्म दिया था, वही तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। लेकिन दोस्तों, अब की बार हमारे देश के अंदर एक शेर की सरकार है, देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है और मोदी जी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है तालिबान को लेकर और दुनिया के तमाम देशों को एकजुट करने में लगे हैं, जो तालिबान के खात्मे के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तालिबान की हर एक्शन का जवाब बहुत ही मजबूती के साथ दे सकते हैं, जिसके बाद तालिबान पूरी तरीके से बदला सा दिखाई दे रहा है और लगातार भारत को लेकर अपने बयान दे रहा है। दोस्तों, भारत को तालिबान के खिलाफ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया है, एक ऐसा हथियार मिल गया है भारत के कब्जे में, जो तालिबान को रातों रात तबाह कर सकता है, तालिबान का नामो निशान तक मिटा सकता है। और इसी बात को लेकर तालिबान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और भारत के सामने नाक रगड़ने पर आज मजबूर है। आज भारत के पास इसी हथियार को देखते हुए दोस्तों, तालिबान लगातार मोदी जी को मनाने में लगा हुआ है। दोस्तों, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आपने तालिबान के एक नेता का बयान सुना था, जिसमें वह पाकिस्तान के साथ दोस्ती के कसीदे गढ़ रहा था और तालिबान का दूसरा घर पाकिस्तान को बता रहा था। लेकिन भारत ने जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जर्मनी की चांसलर, अमेरिका से बातचीत की, अफगान मुद्दे पर तालिबान की नींद हराम हो गई है और तालिबान एकदम से अपने बयानों पर बदल गया है। दोस्तों, तालिबान जानता है कि भारत जिस प्रकार से दुनिया की महाशक्तियों को उसके खिलाफ कर रहा है, यह उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर लगातार दुनिया के नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं। साथ ही दोस्तों, तालिबान अब भारत से होने वाले बड़े खतरे से सावधान हो गया है और लगातार भारत से, नरेंद्र मोदी से दोस्ती के लिए संबंधों को मजबूत बनाने की बात कर रहा है और कह रहा है कि वह अब बदल गया है, पहले वाला तालिबान नहीं रहा। तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि भारत उसके साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को पहले की तरह ही जारी रखे। तालिबान से भारत को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। भारत अपने दूतावास को भी बंद नहीं करे और यहाँ पर काम को सुचारू ढंग से चालू रखे। साथ ही पाकिस्तान के साथ संबंध पर भी तालिबान पलट गया है और उसने कहा है कि वह किसी अन्य देश को अपनी जमीन का दूसरे देश के प्रति इस्तेमाल कभी भी नहीं होने देगा। लेकिन दोस्तों, इस धोखेबाज, इस क्रूर तालिबान की कथनी और करनी में बहुत ही ज्यादा अंतर है। ऐसे में भारत कोई भी कदम सोच समझ कर उठा रहा है और जल्दबाजी में तालिबान के साथ किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं बना रहा है और ना ही उसको मान्यता दिलाने की बात कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार तालिबान के खात्मे के लिए रणनीति तैयार कर रहा है और कैसे भविष्य में आने वाले तालिबान के खतरे को भारत से हटाया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। दोस्तों, मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था कि बंदूक के दम पर, ताकत के दम पर बनाई गई सत्ता कुछ दिन के लिए ही टिकेगी। आज दोस्तों, वही भारत कर रहा है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के कूदने के बाद जो रूस पहले तालिबान का समर्थन कर रहा था, वही रूस तालिबान के खिलाफ हो गया है और अपनी एयरफोर्स को पंजशीर के शेरों के समर्थन में अफगानिस्तान में उतार दिया है, जिसमें भारतीय सेना भी शामिल है। तो वहीं अमेरिका के साथ भारत लगातार संपर्क में है और बहुत ही जल्द इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, रूस के एयरफोर्स के उतरने के बाद तालिबान का शासन किस प्रकार का रहने वाला है, भारतीय सैनिकों के सहयोग से तालिबान का क्या हाल होने वाला है, वे अच्छे से जानता है। ऐसे में लगातार हमारे प्रधानमंत्री को मनाने की कोशिश कर रहा है और भारत के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर किए गए काम पर निगरानी कर रहा है, भारत से और मोदी जी से दोस्ती बढ़ाने को लेकर अहम बयान दे रहा है। दोस्तों, आखिर तालिबान इतना ज्यादा भारत से क्यों डर गया? आखिर भारत के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिससे तालिबान को भारत के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया? क्यों तालिबान आज भारत को मनाने की कोशिश में लगा है? यह सवाल आपके दिमाग के अंदर घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहा होगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा जवाब है, भारत का यूएनएससी का अध्यक्ष होना और जिस प्रकार से भारत ने जो देश तालिबान का समर्थन कर रहे थे उनको तालिबान के विरोध में खड़ा किया है। यूएनएससी के अंदर भारत की बागडोर और रातों रात खेल पलटने की क्षमता देकर तालिबान पूरी तरीके से डर गया है। आपको पता है कि लगातार भारत यूएनएससी के अंदर आपातकालीन मीटिंगों का आयोजन कर रहा है तालिबान के खिलाफ, जो कितनी खतरनाक हो सकती है वह हमसे बेहतर तालिबान जानता है और यही रीजन है कि आज तालिबान को भारत से दोस्ती करने पर मजबूर होना पड़ा है। दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का राज स्थापित होने पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश हुआ था।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ ने तालिबानी नेताओं के साथ नमाज तक अदा किया। इमरान खान ने पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ तालिबानी नेताओं के घर पर बिरयानी का लुत्फ उठाया, लेकिन अब वही बिरयानी पाकिस्तान के गले की फांस बनती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। जैसा कि बड़ी खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से निकल कर आ रही है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत ही जल्द दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी तालिबानी आतंकियों का कब्जा होगा और पाकिस्तान उसके आगे पानी भरेगा। दोस्तों पाकिस्तान के PM इमरान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा अब भागने की फिराक में खड़े हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर कत्लेआम हुआ, जिस प्रकार से अफगानी सैनिकों की हत्या हुई, कुछ वैसा ही मंजर पाकिस्तानी सीमा पर शुरू हो गया है। और बहुत ही जल्द यह खबर भी सुनने और देखने को मिल जाएगी कि तालिबान और उसके जैसे आतंकी संगठनों ने पाकिस्तानी प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे इन प्रांतों की संख्या बढ़ती जाएगी और इमरान और जनरल बाजवा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपना कुत्ता अपने को ही खाए तो किसको जाकर शिकायत दर्ज करे, यही कुछ पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। तालिबान की राज पर उसकी तारीफों की पुल बांधने वाले पाकिस्तान की PM इमरान और सेना प्रमुख बाजवा को वहां के लोग अब बख्शने वाले नहीं है। लोगों ने इनको भगाने की तैयारी भी पूरी कर ली है और पाकिस्तान के अंदर इनको भ्रष्ट सरकार की उपाधि भी दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां भी अपने देश को बेचने के लिए गद्दारों के साथ बहुत ही गलत सलूक करने जा रही है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान के विरोध में उतर आई है और सरकार गिराने और ऐसे गद्दार नेता को देश निकाला देने के लिए आंदोलनरत है, और यह आंदोलन कब हिंसक हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इस प्रकार पाकिस्तान के अंदर दोस्तों गृह युद्ध का माहौल बन सकता है, जिसका फायदा सीमा पर घात लगाए बैठे तालिबान और उसके सहयोगी कभी उठा सकते हैं। और जिस प्रकार से सीमा पर उसने पाकिस्तान के सैनिकों को मारना शुरू किया है, उससे तो इसी बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि लगभग 20,000 के करीब तालिबानियों ने पाकिस्तानी सीमा पर अटैक कर दिया है और ये अटैक इतना भयंकर है जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और जान की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसमें कितना असलीपन है, कितनी आंकड़ों में सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तानी सीमा पर सैनिक जरूर मारे जा चुके हैं और इनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तालिबान और उनके सहयोगी आतंकी संगठन है। दोस्तों आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान पहले से ही था और ऐसे में अगर पाकिस्तान में गृह युद्ध होता है तो यह आतंकवादियों के पास सुनहरा अवसर होगा पाकिस्तान पर कब्जा करने का, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री का ध्यान दूसरी ओर होगा और तीसरी ओर भारत की सीमा और POK को बचाना भी पाकिस्तान के लिए जरूरी होगा। दोस्तों तालिबान के कब्जे में इतराए पाकिस्तान का गुरूर अब चकनाचूर होता नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा के पार से आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी और भारी हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान